Hello student, welcome all of you in Engineering Academy online classes. आज हम बात करेंगे स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जो सभी स्टूडेंट के लिए, वो बात करें एसएससी जेई या बात करें कोई स्टेट गवर्नमेंट या इंजीनियरिंग सर्विस या टोटली सभी एग्जाम के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के सभी टोटल एग्जाम की मैं बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज भी रहते हैं. ठीक है, तो जैसे एसएससी जेई के एग्जाम की ही मैं लेट एग्जांपल बात करूं तो वहां पर बहुत से लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज में रहते हैं कि सर किस तरह से हम नंबर ऑफ बैग निकालते हैं सीमेंट के लिए, या नंबर ऑफ बैग निकालते हैं प्लास्टर के केस में या कंक्रीट के केस में, या प्लास्टर हो रहा हो या आपका ब्रिक ब्रिक मैसनरी का प्लास्टर हो, ब्रिक मैसनरी हो वहाँ पर प्लास्टर किया जा रहा हो सीमेंट मोटार से, तो वहाँ पर किस तरीके से हम नंबर ऑफ बैग्स निकालते हैं सीमेंट की बात किया जाए, नंबर ऑफ बैग निकालते हैं सैंड की बात किया जाए, अगर हम कंक्रीट की बात करें तो नंबर ऑफ बैग्स कोर्स एग्रीगेट के कितना लगेगा, उन सभी चीज़ों पर आपके क्वेश्चन आते हैं. तो आज हम पहले, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज का जो लेक्चर होगा स्पेशली हम नंबर ऑफ बैग कैसे निकालेंगे, बस मैं एक तरीका आपको बताऊंगा आज केवल कि M20 ग्रेड के लिए आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर नंबर ऑफ, आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट सभी लोगों के लिए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है. देखो, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीमेंट बैग फॉर कॉन्क्रीट M20 ग्रेड, M20 ग्रेड ये कॉन्क्रीट का ग्रेड है आप बखूबी जानते हैं. M20 में अगर आप देखें M20 ग्रेड में स्टैंड आप देख पाए कि आपका रेशियो जो बनता है 1:1 इज द डेड एंड 3, जहां पर हम देख पाते हैं और समझ भी पाते हैं कि 1 जो होता है सीमेंट, जहां पर दूसरा जो एडिशन है फाइन एग्रीगेट है, जहां पर फाइन एग्रीगेट का मतलब है सैंड, और थर्ड जो पार्ट है कोर्स एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट. अब बहुत से इनके कंफ्यूज में भी रहते हैं स्टूडेंट कि सर यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोर्स एग्रीगेट को यहाँ पर रख देते हैं और फाइन एग्रीगेट को, जैसे हम देखें 3 वाले को यहाँ कर देंगे, बहुत स्टूडेंट जो बेसिक्स है शुरुआत में पढ़ते हैं और डेढ़ वाले को यहाँ रख देते हैं, मतलब कि फाइन एग्रीगेट जो आप रेशियो बनाते हो M20 का, 1 बैग ऑफ सीमेंट लोगे जहां पर उसके साथ मिक्स करोगे, 1.5 बैग आपका सैंड का लेना है बजरी का, और 3 बैग जो लेंगे आप कोर्स एग्रीगेट रूढ़ी जिसको जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है इसको लोगे. ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं एक बेसिक नॉलेज आपको दूंगा या बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा और बेसिक तरीका दूंगा याद करने का. आप याद रखो CFC गैस, क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर M20 ग्रेड से, लेकिन वो याद रखने का तरीका है केवल क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस हुज डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये आप जानते हैं इतना चीज, ये बेसिक चीज आपको पता है. तो CF और CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, लेकिन यहां पर कैसे मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं, सी इज द सीमेंट, एफ इज द फाइन एग्रीगेट एंड सी इज द कोर्स एग्रीगेट, इस चीज से आपको याद रहेगा, कभी आप इधर उधर नहीं करोगे इस रेशियो को. अब आज के बाद अब आते हैं रेशियो, आपने देखा 1:1, 1.5:3 का आप देख पाए यहाँ पर अज्यूम. अब करना क्या है स्टूडेंट कि जब आपको कौन सा भी ग्रेड दे दे, M20 का बना के दे, M15 का बना के दे, रेशियो तो आपको याद रखना ही है. क्वेश्चन आपका आता है कि आपका M20 ग्रेड है, आप बताइए कि नंबर ऑफ बैग्स कितने लगेंगे 1 m³ के वॉल्यूम में, अगर आप प्लास्टर कर रहे हो या ब्रिक मैसनरी कर रहे हो उसमें कितना बैग लगने वाला सीमेंट को, तो एज ए इंजीनियर आप कॉन्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करके दे दो कि हाँ भाई इतना बैग ले आओगे आप, ये हमारी जिम्मेदारी. कैसे कैलकुलेट करोगे ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो हम बताएंगे उसको कैसे. सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम जो मटेरियल कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कितने m³ के वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं, लेकिन अज्यूम मैंने कर लिया अभी, सपोज दैट मैंने लिखा हुआ है, देखो स्टूडेंट अज्यूम दैट वी विल फाइंड द मटेरियल कैलकुलेशन फॉर 1 m³, 1 m³ के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट. ओके, यहां पर एक चीज हो रहा है स्टैंड, जब हम बात करें किसी भी वॉल्यूम में कोई भी क्यूब है, माना सो सिंपल सा लैंग्वेज में इसको समझना, कोई भी क्यूब है उसमें एक मटेरियल है, माना वो सीमेंट ही है या कोई दूसरा मटेरियल लिखो, कुछ भी ले लो अपने दिमाग में, तो वो ड्राई जो मटेरियल होगा वो उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, मतलब कि किसी भी वॉल्यूम में ड्राई मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू वेट वॉल्यूम, ये आपको एनालिसिस करना है और एनालाइज करना दिमाग में. वही चीज़ मैंने लिखा है नोट में, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इनटू 1.542 1.57 टाइम्स ऑफ
वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। क्या बोल दिया इन्होंने यहां पर, ये तरीका स्टैंड। अगर इतना तो हमें पता लग गया कि ड्राई वॉल्यूम ज्यादा ही हो गया वेट वॉल्यूम से, इतना हमें पता लग गया, ये एनालाइज हमने दिमाग में करा दिया है, लेकिन कितना रखना है हमें, क्या करना है, 50% 54% से इंक्रीज कराना होता है। हम क्या मान के चलेंगे कि ड्राई वॉल्यूम जो है 54% से 54% से 57% के ज्यादा इंक्रीज करता है, 57% 54% से 57% का इंक्रीमेंट होता है। और देखो आप यहां पर देखें, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 54% इंक्रीज बाय वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम का 54% इंक्रीज। यहां पर फिर से मैंने लिख दिया 54% जब किसी चीज में आप इंक्रीज करते हैं तो 100% लिए पहले रहा होगा, ध्यान से देखना, 100% प्लस 54%, आप देख पा रहे हैं ये बन जाएगा 154%, जो मिलेगा आपको 154% ऑफ ड्राई वॉल्यूम। आप देख पा रहे हैं जो 154% का मतलब होता है 154 अपॉन 100, जो मिलेगा 1.54 का फैक्टर। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बेहद हमको कर देना होता तभी हमारे मटेरियल के क्वांटिटी निकाल पाते हैं। तो 1.54 याद रखो आप, या 1.57 57 इंक्रीज कराओ जो, तो 1.57 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये फैक्टर जो है कहां से आता है, मैंने समझा दिया। अब आते हैं आगे, किस तरीके से आप नंबर ऑफ बैग निकाल, हमारा कंक्लूजन यहां पहुंचना है हमको, यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको देखना होता है किस तरीके से हम काम करते हैं। सम मैंने लिखा, देखो स्टूडेंट, सम ऑफ रेशियो, सबसे पहले मैंने सम ऑफ रेशियो, रेशियो आपको M20 का बताया, 1 dead और 3, जहां पर मैंने समीशन किया इसका, 1 plus 1.5 plus 3, जहां पर 1 cement 1.5 डेड जो बैग लगेगा, फाइन एग्रीगेट 3 bag लगेगा कोर्स एग्रीगेट, तो 5.5 हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नाउ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ड्राई वॉल्यूम को और वेट वॉल्यूम को, ड्राई वॉल्यूम को मैं चेंज करूँ, देखना ध्यान से। नाउ चेंज 1 cubic meter वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, 1 meter cube जो वॉल्यूम था उसको मैं ड्राई वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूँ, देखना। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या फैक्टर लिया अभी मैंने आपको, मैंने सिखा तो दिया कि 1.54, यहां पर तो मैंने इंक्रीज भले लिखा है 54%, लेकिन मैंने फैक्टर जो इंक्रीज किया है वो 57% से किया, यहां पर जो आप कैलकुलेशन देख पा रहे हैं। तो वो नाउ चेंज 1 cubic meter वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, देन ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.57 इज इन टू वेट वॉल्यूम, क्या आपने वेट वॉल्यूम क्या माना है, दिस इज द वेट वॉल्यूम, दिस इज द वेट वॉल्यूम, जो 1 meter cube का जो वेट वॉल्यूम है उसमें आपने इंक्रीज कराना था फैक्टर जो था, 1.54 मानो या 1.57 जो भी माने आप चलेगा, अभी आपने माना है 57% का इंक्रीमेंट, तो आपने उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया 1.57, वेट वॉल्यूम आप जान पा रहे थे 1 meter cube मैंने लिखा है, 1 meter cube वेट वॉल्यूम इंटू 1.57 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा इंक्रीज करके मिला ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.57। तो फाइनली ड्राई वॉल्यूम मिला आपको 1.57 मीटर क्यूब ही, डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसके पीछे कई बहुत जगह पर डायरेक्टली स्टूडेंट लिख देते हैं कि 1.54 जो वेट वॉल्यूम रहता है उतना ही लिख देते हैं, क्योंकि वो 1 meter के लिए क्यूब करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बेसिस आपको जरूर जाना है कि कहां से वो आता है। इतना काम हम कर चुके, ड्राई वॉल्यूम निकाल चुके, अब आते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ बैग निकालना, तो देखना ध्यान से स्टूडेंट। तो यहां पर सीमेंट वॉल्यूम के लिए, इधर देखना ध्यान से, सीमेंट वॉल्यूम सबसे पहले आपको निकालना होगा तभी आप नंबर ऑफ बैग निकाल पाते हैं। सीमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या तरीका रहता है, सीमेंट रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो आप सीमेंट का कैलकुलेशन, सैंड का कैलकुलेशन, कोर्स एग्रीगेट का कैलकुलेशन सारा कुछ कर सकते हैं। बस केवल आपका सीमेंट रेशियो की जगह है, आपका अगर मैं सैंड की बात करूं सैंड रेशियो हो जाएगा और सारी चीजें वही रहे। अभी मैं सीमेंट की बात कर रहा हूं केवल, तो देखेंगे सीमेंट रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। सीमेंट रेशियो कितना है, देखो यहां पर सीमेंट का रेशियो कितना है, यहां पर 1 है क्या, सीमेंट का रेशियो 1, तो 1 लिखा अपॉन सम ऑफ रेशियो, आपको दिख पा रहा है कि 5.5 लिखा आपने, ये भी आपका काम हो गया, इनटू ड्राई वॉल्यूम आपने किया तो ड्राई वॉल्यूम आपका 1.57 का मिला, ये कर दिया। तो फाइनली आपको वॉल्यूम क्या मिल गया है, सीमेंट का वॉल्यूम क्या मिल गया 1 meter cube के वेट वॉल्यूम से, 0.285 meter cube का वॉल्यूम मिल गया। जब इतना काम हो जाए स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं, अब आपको याद हो स्टूडेंट, डेंसिटी की बात किया जाए सीमेंट का, डेंसिटी ऑफ सीमेंट आप मानते हैं कि 1440 kg/m³ होता है। यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सबसे पहले।
डेंसिटी ऑफ सीमेंट की बात किया जाए, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ओके, सीमेंट का डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है आप जानते ही है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या डेंसिटी इज इक्वल टू, ये वेट डेंसिटी है जिसको स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, दिस इज नॉट अ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, नॉट अ वेट अपॉन वी। ओके, दिस इज द वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। तो क्या आपको वेट निकालना नहीं आएगा यहां से? क्या यहीं से अगर आप वेट निकालो तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप एक सेकंड में बता सकते हैं कि कभी भी अगर आप किसी मटेरियल का वेट निकालो, वो उस मटेरियल का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए और कितने वॉल्यूम के लिए आप काम कर रहे हैं वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो फाइनली द वेट इज कैलकुलेटेड बाय डेंसिटी एंड इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर क्या दिक्कत है आगे, यही तो किया आपने। वेट ऑफ सीमेंट किलोग्राम में आता है, वेट ऑफ सीमेंट इन किलोग्राम इज इक्वल टू आपने किया क्या, वही तो क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम सीमेंट का आपको पता है कितने वॉल्यूम के लिए करना है, 0.285 रखा। सीमेंट का डेंसिटी आपको याद है, ये याद होना भी चाहिए, जो मिलेगा 1440 किलोग्राम, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का डेंसिटी आप सीमेंट जाते हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट, जो मिला आपको 411 किलोग्राम का वेट मिला। इतने किलोग्राम का आपको सीमेंट लगने वाला है, मतलब कि आप करीब करीब हैं कॉन्ट्रैक्टर को जवाब देने का कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्टर आपको 411 किलोग्राम का इस एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 411 किलोग्राम वेट लगेगा सीमेंट का, ये क्वेश्चन बता दे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को अभी भी समझ नहीं आया है, क्योंकि उसको पता है बैग के रिस्पेक्ट में कि मेरे पास इतने बैग हैं अवेलेबल, सीमेंट के बैग मेरे पास 10 हैं या 20 हैं या 50 हैं, इतना ही उसको पता है, इतनी उसको जानकारी है। तो बैग में बताते हैं अब कि कितने बैग लगेंगे। वॉल्यूम में तो आपने बता दिया, उसको वेट में भी उसको बता दिया, लेकिन उसको समझ नहीं आया, उसको बैग में ही बताओ और वही आपका क्वेश्चन भी आता है। तो बता देते हैं, तो वेट ऑफ बैग्स अगर निकालना है आपको, भाई आपको पता है ना कि एक बैग में, एक बैग जो सीमेंट का होता है 50 किलोग्राम का होता है। अगर आप देखें, आपने देखा भी ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि एक बैग जो सीमेंट का रहता है, वो कोई भी सीमेंट हो वट एवर, ठीक है, तो 50 किलोग्राम का उसका स्टैंडर्ड वेट रहता है। अगर मैं देखूं नंबर ऑफ बैग, टोटली जो वेट है 411 किलोग्राम का आपका सीमेंट है, इतना सीमेंट आपको यूज करना है ये 411 किलोग्राम का, और एक बैग का जो वेट है वो है 50 किलोग्राम। क्या नंबर ऑफ बैग नहीं आ गए क्या? 411 अपॉन 50 करो, क्योंकि एक बैग में 50 किलोग्राम है, कि नंबर ऑफ बैग आ गए क्या? क्या 8 बैग लगेंगे आपके? 8 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे। तो खत्म होती है कहानी स्टूडेंट, इतना ही आपके बस करना था, कुछ था क्या इस पर हम फालतू में कंफ्यूज होते हैं। तो 8 नंबर ऑफ बैग्स लगेंगे आपको इस वॉल्यूम में M20 ग्रेड के लिए। तो ऐसे आपके लिए स्टूडेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे स्टूडेंट, जो जो आपको, जैसे अभी आपका सीमेंट कैलकुलेशन पे भी पूछता है कि कितने किलोग्राम आपका सीमेंट लगेगा, कितना वॉल्यूम, ऐसे आपका कोर्स एग्रीगेट में लगता है या अलग ग्रेड M15 के लिए पूछा जाता है। तो ऐसे आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे जो आपको बहुत इफेक्टिव करेगा किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।